अहम खबर से आगाह करें। इस वक्त आपको कराची से सहाफी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान खान के लापता होने का मामला है। आमिर अरसलान को तफ्तीश में ताबुन की तंबी के बाद रिहा कर दिया गया है, ऐसा बताना है तर्जमान रेंजर्स का। जबकि अरसलान खान को दहशतगर्द ग्रुप के साथ राब्ते पर गिरफ्तार किया गया था। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान को तफ्तीश में ताबुन की तंबी के बाद रिहा कर दिया गया है और अरसलान खान को दहशतगर्द ग्रुप के साथ राब्ते पर गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम से। नदीम अहमद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, तर्जमान रेंजर्स ने मज़ीद क्या कहा है? मोहम्मद आमिर अरसलान खान उर्फ AK-47 जो कि गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन उस क्लिफ्टन के इलाके से पुरस्तार तौर पर लापता हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से रेंजर तर्जुमान ने जो है वो तस्दीक करी है और उनका कहना था कि आमिर अरसलान को एक दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद के ऊपर हिरासत में लिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम का दहशतगर्द ग्रुप से माली मुआवनत लेने का भी इंकशाफ हुआ। तहम रेंजर तर्जुमान का साथी ये भी कहना है कि व्हाइट कॉलर क्राइम होने की बिना के ऊपर मुकम्मल तहकीकात की गरज से केस मुतालिका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है और साथ ही रेंजर तर्जुमान ने ये भी तस्दीक करी कि मुलजिम को मुस्तकबिल में होने वाली तफ्तीश में मुआवनत करने की बिना पर जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो ये तर्जुमान रेंजर का बयान जो है वो सामने आया है, खासकर जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहम्मद आमिर अरसलान खान उर्फ AK-47 के इलाके से लापता हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।